हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मूंगफली और मखाने की बहुत ही लाजवाब सी रेसिपी, जिसे आप कोई भी त्यौहार में बना लेंगे तो उस त्यौहार में चार चांद लग जाएंगे। इस समय जन्माष्टमी आने वाला है तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना। आपके यहाँ सभी लोगों को गारंटी के साथ बता रहे हैं बहुत ज्यादा पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम बहुत ही आसान रेसिपी लेके आते हैं, वो भी किचन में मौजूद चीजों से, जिसे बनाकर आप सभी का प्यार और दिल जीत सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहली चीज ली है मखाने, जो कैल्शियम से भरपूर होती है। फिर इसके बाद मैंने लिया है मूंगफली, जो हमारी बहुत ही ज्यादा प्रोटीन से भरपूर होती है। दोनों ही चीजें आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा लाभकारी है। तो दोनों की मात्रा मैंने कितनी ली है आपको बता देते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे ये वाली कटोरी के हिसाब से नापेंगे तो हमने आधा आधा कटोरी लिया है। चलिए आपको दिखा देते हैं। तो देखिए, ये आधा कटोरी हमारा मखाना है, ये देख लीजिए। एक कटोरी भर के नहीं है, आधा कटोरी है, क्योंकि ये फूले हुए हैं। और इसी के साथ हमने मूंगफली ली है उतनी ही मात्रा में, जो हमारी आधा कटोरी से थोड़ी ज्यादा है। तो यहाँ के दोनों की मात्रा आपको इक्वल रखनी है। तो चलिए आप बनाना शुरू करते हैं, चलते हैं गैस की तरफ। तो फ्रेंड, आ गए गैस की तरफ। एक हमने पैन लिया है, आप कोई भी बर्तन लीजिए, वो चाहे लोहे का हो या अल्मोनियम का हो, थोड़ा सा भारी होना चाहिए। अब इसमें हम एक चम्मच डालेंगे देसी घी। अगर आपके पास देसी घी ना हो तो आप डालडा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको रिफाइंड ऑयल या फिर सरसों का तेल नहीं लेना है। आप घी भी ले सकते हैं, बटर भी ले सकते हैं, या फिर डालडा भी ले सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जब हमारा ये अच्छे से गर्म हो जाएगा, हम इसमें अपनी मूंगफली डाल देंगे। और मूंगफली को भुनने में कम टाइम लगता है, सॉरी ज़्यादा टाइम लगता है, इसीलिए हम पहले मूंगफली को भूनेंगे। तो यहाँ पे हमें घी में अच्छे से मूंगफली को बढ़िया तरीके से कलर आने तक भूनना है। गैस का फ्लेम लो होना चाहिए, जो बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी होना चाहिए। तो फ्रेंड देखिए, मूंगफली इस तरह से चट्टे चट्टे करने लगती तो समझ जाइए मूंगफली आपकी अच्छे से भुन नहीं है। और यहाँ पे हमें मूंगफली को बहुत ज्यादा काला नहीं करना है, इसे हमें इस तरह से भून लेना है बस। तो देखिए, हमारी मूंगफली अच्छे से फूल गई है और हमने इस पे कलर नहीं आने दिया है। अब फटाफट हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें फटाफट इसको निकाल लेना है, जलाना बिल्कुल भी नहीं अपनी मूंगफली को, और नहीं तो ये जो कलर होगा वो डार्क हो जाएगा तो टेस्ट बेकार हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखिए मूंगफली को कितना कम भुना है, आपको भी ऐसे ही भुनना है। तो फ्रेंड, जितना घी हमारा बचा था उसी में हम ये मखाना डाल देंगे, और मखाने को हम धीमी धीमी आंच पर ज्यादा नहीं भुनेंगे, इसको हमें सिर्फ 10 सेकंड तक भूनना है। तो कंटिन्यू चलाते हुए फटाफट मखाने को अच्छे से भून लेंगे। इससे क्या होगा, जब मखाने हमारे काफी क्रिस्पी हो जाएंगे तो हम जब इसकी रेसिपी बनाएंगे तो काफी अच्छा टेस्ट आएगा। तो फ्रेंड देखिए, 10 सेकंड तक हमने इसे अच्छे से भून लिया है, सारा घी इसके अंदर अच्छे से चला गया है, और अब इसको भी हम निकाल लेंगे फटाफट। तो यहाँ पे हमें दोनों चीजों को एक ही बर्तन में निकाल लेना है, आप चाहे तो अलग अलग भी निकाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन बर्तन बर्बाद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम इस्तेमाल तो दोनों को साथ ही में करने वाले हैं, तो अलग अलग क्या निकालना। तो यह देखिए, मैंने निकाल लिया है, अब इसको हम ठंडा करेंगे। तो फ्रेंड, दोनों चीजें हमारी बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो गई है। जब तक ठंडी नहीं होगी आपको नहीं इस्तेमाल करना है। आप कैसे इस्तेमाल करना है आपको बताएंगे। तो एक मिक्सी का जार ले लेंगे, छोटा वाला, और इसके अंदर हम इसको ट्रांसफर कर देंगे। तो अगर आपको लगे कि ये ज्यादा है तो आप इसे दो बैचेस में भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरा आ गया है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सारी मूंगफली और मखाने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब इसके अंदर हम पानी नहीं डालेंगे और ना ही कुछ डालेंगे, सिर्फ हम इसको ढक्कन से कवर करने के बाद मिक्सी को एक से दो बार रोककर चला देंगे। तो यहाँ पे हमें इसका दरदरा पाउडर बनाना है, बिल्कुल फाइन नहीं करना है। तो चलिए करके लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कैसा होना चाहिए। तो फ्रेंड देखिए, मैंने इसको इस तरह से पीस लिया है, बिल्कुल दरदरा रखा है, देख सकते हैं आप लोग। और अब इसको मैं एक प्लेट में ट्रांसफर कर लूंगी। तो आपको भी इसको बहुत ज्यादा फाइन नहीं करना है, इस तरीके से दरदरा होना चाहिए आपका, देख रहे हैं आप लोग, इस तरह से, तभी आपका रिजल्ट आएगा और इसका जो खाने में टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आएगा, और ये आपके हल्का हल्का सा मुंह में आएगा तो मजा आ जाएगा आपको खा के। तो फ्रेंड देखिए, सारा मैंने इस तरह से ट्रांसफर कर दिया। अब इसको हम साइड में रख देंगे और एक बड़े साइज का बर्तन लेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे सूजी, जो हर किचन में अवेलेबल होती है। तो यहाँ पे जो मैं सूजी ले रही हूँ, बारीक वाली ले रही हूँ। अगर आपके पास मोटी वाली हो तो मिक्सी जार में डालकर एक बार ग्राइंड कर लेना, उससे भी काम हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे वेट में बताऊँ तो ये हमारी 50 ग्राम थी, और नाप में बताऊँ तो एक कटोरी है। और इसी के साथ हम अपना ये वाला जो मिश्रण था, ये सारा का सारा ऐड कर देंगे इसके अंदर। और अब हमने जितनी सूजी ली थी उतना ही हम लेंगे इसके अंदर मैदा। अगर आपके पास मैदा ना हो तो आप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, लेकिन मैदे से काफी अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ये गया हमारा एक कटोरी मैदा। अब इसमें हम डालेंगे एक बड़ा चम्मच देसी घी। तो यहाँ पे घी को हमको गर्म करने की जरूरत नहीं है, रूम टेम्परेचर का घी होना चाहिए। यहाँ पे आपको गर्म घी नहीं लेना है, अगर आप गर्म लेंगे तो आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा। अगर आपके पास देसी घी ना हो तो आप रिफाइंड ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर हो देसी घी तो जरूर डालना, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। सिर्फ एक बड़ा चम्मच।
तो फ्रेंड अब हम क्या करेंगे, एक इलायची ले लेंगे और उसके हम बीज निकाल के इस तरह से डालेंगे। आप चाहें तो इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरह से इलायची बहुत ज़्यादा पसंद है, एक इलायची काफ़ी है। तो फ्रेंड अब इसको हम थोड़ा सा और ज़्यादा टेस्टी और बढ़िया बनाने के लिए, एक प्यारी सी खुशबू आए, इसमें थोड़ा सा केवड़ा वाटर ऐड कर रहे हैं। अगर आपके पास ना हो तो आप सिर्फ इलायची यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत ही आसानी से किसी भी शॉप में मिल जाता है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने दूध लिया है, दूध हमारा थोड़ा सा ठंडा होना चाहिए, अगर आपका दूध ठंडा नहीं तो आप रूम टेम्परेचर का भी ले सकते हैं। इसके अंदर हम डालेंगे शुगर, तो यहाँ पे मीठा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, अगर आप लोग ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप इसमें शुगर की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधी कटोरी ऐड किया है, इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। तो यहाँ पे आपको चम्मच से या फिर आप मिक्सर से भी इसको इस तरह से मिक्स कर लेना। तो इसके साथ जब आप शुगर डालेंगे तो आपकी शुगर को गलाने में टाइम नहीं लगेगा और आपका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आएगा। तो थोड़ी सी शुगर मैं और डाल दूंगी क्योंकि मुझे थोड़ा मीठा पसंद है, अगर आप लोग ज़्यादा मीठा नहीं खाते तो आप इसकी मात्रा को कम कर सकते हैं, मीठा अपने हिसाब से रख सकते हैं। और इस रेसिपी को आप पूरे महीने स्टोर कर सकते हैं बिना फ्रिज के, बिना किसी तामझाम के, कहीं भी आप रखेंगे तो आपका कहीं भी ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए हमें शुगर को पूरा नहीं गलाना है, हल्का सा गलाना है और इसी के साथ हम इसमें थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पे एक साथ नहीं ऐड करना है, 3 से 4 चम्मच इस तरह से ऐड करने के बाद हम मिक्स करेंगे, अगर हमें ज़रूरत महसूस होगी तो हम इसमें और डालेंगे। तो देखिए हल्के हल्के हाथों से हमें मिलाना है और इसका हमें एक आटा लगाना है। तो यहाँ पे जो आपका आटा होना चाहिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, इसके अंदर कोई भी बेकिंग पाउडर या सोडा नहीं डालना है, उसके बिना भी ये बहुत ही ज़्यादा कुरकुरे और करारी रेसिपी तैयार होगी अगर आप मेरी टिप को फॉलो करके बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने टोटल 2 चम्मच घी इस्तेमाल किया था, 1 चम्मच से मैंने मूंगफली और मखाने को अच्छे से भूना था और 1 चम्मच मैंने वापस से डाला है, तो 2 बड़े चम्मच हमारा घी के अंदर ऑलरेडी चला गया है। तो ये इसी से ये काफ़ी क्रिस्पी और खस्ता बनेगा। तो फ्रेंड देखिए जितना हमने डाला था वो अच्छे से हो गया है, अब वापस से हम इसके अंदर ऐड करेंगे पूरा का पूरा, और ये हमने इसी के हिसाब से बनाया था तो कम नहीं पड़ेगा, अगर आपको लगे थोड़ा कम पड़ा है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध और डाल सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे हमें इसको ना बहुत ज़्यादा टाइट रखना है ना बहुत ज़्यादा लूज, तो इसके अंदर सूजी पड़ी है तो हल्का सा ये मुलायम ही रहेगा, बाद में ये अपने आप टाइट हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसका एक आटा लगा लिया है, तो देखिए यहाँ पे हमने जितना लिया था उतना पूरा पूरा इस्तेमाल हो गया है, तो सही मेजरमेंट था तो आपका भी नहीं बचेगा, अगर बच जाए तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, अगर कम पड़ जाए तो आप इसमें दूध ऐड कर सकते हैं, लेकिन पानी मत ऐड करना, पानी से रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। और ये देखिए इस तरह से मैंने इसका आटा लगा लिया है, अब इसको मैं कवर करके कम से कम 5 मिनट का टाइम दूंगी और 5 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। तो फ्रेंड 5 मिनट हो चुका है, आइए अपने आटे को हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से थोड़ा सा टाइट हो गया है क्योंकि सूजी फूल गई थी, और हमें इसी तरीके से टाइट डो चाहिए, आपका सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। अब इसके अंदर आप कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं सिर्फ बादाम ऐड करूंगी, तो यहाँ मैंने 10 से 15 बादाम को इस तरह से कूट लिया है, आप चाहें तो इसके छोटे छोटे पीसेस भी कर सकते हैं, और इसको डालने से बहुत ही प्यारा लुक आएगा और टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। आप चाहें तो इसमें नारियल भी डाल सकते हैं या फिर पिस्ता भी डाल सकते हैं, आप अपने मन मुताबिक कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, और वो आपको बाद में डालना है ताकि ये क्रिस्प इसके अंदर बरकरार रहे, अगर आप पहले डाल देंगे तो ये आपके बादाम सॉफ्ट हो जाएंगे तो खाने में मज़ा नहीं आएगा। अब हम आगे का काम करेंगे, तो यहाँ पे हम इसको लेने से पहले इस पर थोड़ा सा काउंटर पे घी लगाएंगे जिससे ये नीचे चिपके ना, आप चाहें तो बटर और ऑयल भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा घी इस तरह से इसके ऊपर लगा दूंगी, तो यहाँ पे मैं चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चकला भी ले सकते हैं। अब इसको हम इस तरह से हल्का हल्का सा मुलायम करेंगे क्योंकि हल्का सा सूजी फूलने के बाद टाइट हो जाएगा, और अब हम इसको बेलना शुरू करेंगे। तो आप इसमें पिस्ता भी डाल सकते हैं अगर आपको पिस्ता पसंद हो तो। तो चलिए अब इसे हम बेलते हैं, तो इसे हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है ना बहुत ज़्यादा मोटा बनाना है, तो ये सूजी का है तो हल्का हल्का सा बिखरेगा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से जब आप लेंगे तो आप इसको चारों तरफ घुमाते हुए इस तरह से इक्वल हर तरफ से रख लेंगे, ये देखिए। तो इसे हम हल्का सा मोटा रखेंगे, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, इस तरीके से इसकी थिकनेस होनी चाहिए, देख रहे हैं आप लोग। अब हम इसको कटिंग करेंगे, तो आप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, मैं इसे इस तरह से छोटी कटोरी से ही कट करूँगी, आप चाहें तो इसे ग्लास से भी कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए कितना प्यारा लुक आया है, और इस तरह से सेंटर को हल्का हल्का सा प्रेस करते हुए इस तरह से कर लीजिए। तो मैं इसे ना बहुत बड़ा बना रही हूँ,
ना बहुत ज्यादा छोटा बना रही हूँ। तो इस तरह से मैं कटोरी से कट कर रही हूँ। अगर आपके पास छोटी कटोरी ना हो तो आप छोटी गिलास का भी यूज कर सकते हैं या फिर आप इसे मनचाहा कोई भी आकार दे सकते हैं हाथ से। तो चलिए सारे कट कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से इतने बिस्किट रेडी कर लिए हैं, बाकी मैंने रख दिया है, मैं बाद में बनाऊंगी। आप भी इस मिश्रण को रख सकते हैं, जब आपका मन हो आप इस तरह से निकाल के तुरंत बना के तुरंत के ताजे खा सकते हैं और बना के स्टोर कर लेंगे तो पूरे महीने की फुर्सत। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करेंगे। तो चलते गैस की तरफ। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ और एक पैन लिया है, उसमें मैंने तेल लिया है, बहुत ज्यादा भर के नहीं लिया है, आपको भी बहुत ज्यादा भर के तेल नहीं लेना है। तेल को हम हाई फ्लेम पे गर्म करने के बाद गैस के फ्लेम को लो कर देंगे। जो भी बर्तन लीजिए वो हल्का सा फैला हुआ होना चाहिए इस तरह से, चाहे वो पैन हो, कड़ाही हो या तावा भी आप ले सकते हैं। और तेल को गर्म होने के बाद फ्लेम को बिल्कुल लो करते हुए हम इस तरह से अपने बिस्किट को डालेंगे। तो यहाँ पे अगर आपका पैन छोटा है तो आप इसमें कम ही डालना, अगर बड़ा है तो आप ज्यादा डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरह से डाल देंगे, गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और लो फ्लेम पे हम अपने बिस्किट को बनाएंगे। तो आप धीमी धीमी आंच पर 2 मिनट तक पकने देंगे। तो फ्रेंड आप चाहें तो इस बिस्किट को बेक भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे घर में माइक्रोवेव या ओवन नहीं होता है, इसीलिए मैं इस तरीके से बना रही हूँ। ये तरीके से आप सभी लोग बना पाएंगे। गैस की फ्लेम को लो रखना है, नहीं तो ये सारे बिखर जाएंगे। और धीमी धीमी आंच पर हम इसको पकने देंगे, 2 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुके हैं, आइए अब इसको हम टर्न कर देते हैं। देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है और कितने काफी खस्ता लग रहे हैं और कितने ज्यादा अभी ये कुक हो जाएंगे तो और काफी क्रिस्पी हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा डार्क ही रखूंगी, आप चाहे तो इसको हल्का सा लाइट भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसे स्टोर करने की नीयत से बना रही हूँ। तो मैं इसको थोड़ा सा डार्क करूंगी तभी ये लंबे समय तक स्टोर रहेंगे। अगर आप इसे थोड़ा सा लाइट कर देंगे तो ये खराब होने का डर रहेगा। तो यहाँ पे देखिए ये वाला थोड़ा ज्यादा डार्क हो गया था, तो कोई बात नहीं, और अब इसे हम दूसरे साइड से भी पका लेंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है, ये डन हो चुके हैं, अब इसको हम फटाफट निकाल लेंगे और बाकी बचे भी हम इसी तरीके से बनाने के बाद आपको दिखाएंगे। तो चलिए मिलते हैं बाद में। तो फ्रेंड लीजिए हमारी खूबसूरत सी रेसिपी बनकर रेडी हो चुकी है, जो देखने में जितनी ज्यादा खूबसूरत लग रही है खाने में उससे ज्यादा हेल्दी है और आप इसे स्टोर कर सकते हैं पूरे महीने। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम बहुत ही आसान रेसिपी लेके आते हैं वो भी किचन में मौजूद चीजों से। तो हमारे रेडी है बिस्किट जिसको हमने बनाया है मखाने और मूंगफली से, और इसका देखिए कितना ज्यादा क्रिस्प आया है, ऊपर से क्रिस्पी है, अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, खस्ता है। तो इसे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक खा सकते हैं, मुंह में मेल्ट होने वाला बना है। तो कैसी लगी आपको ये अमेजिंग सी रेसिपी कमेंट बॉक्स से ज़रूर बताना और वीडियो को फैमिली एंड फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना। और इस जन्माष्टमी में इसे ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही मक्खन मलाई की तरह अंदर से सॉफ्ट है, ऊपर से काफ़ी करारे और क्रिस्पी है और मुँह में मेल्ट होने वाले बने हैं। आप इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको ये कैसी लगी। मिलते हैं बहुत ही आसान रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय, टेक केयर, और इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना। बाय।